प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः मैं आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने भौगोलिक कारकों के बारे में बात की थी। उसमें हमने दो महत्वपूर्ण कारक पर चर्चा की थी, एक कच्चा माल और दूसरा श्रम। आज हम बात करते हैं शक्ति। श्रम की बात अब हम आगे करेंगे। कल हमने कच्चा माल और शक्ति के संबंध में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं उद्योगों में जल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल भी उद्योग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक की भूमिका निभाता है। मानव उपभोग एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल को अपरिहार्य माना गया है, क्योंकि इसका कोई स्थानापन्न नहीं है। अर्थात जल के स्थान पर कोई और स्थानापन्न का उपयोग संभव नहीं है। वस्तुओं को अंतिम रूप देने में, उनका शोधन करने में, वाष्प बनाने और ठंडा करने में, अर्थात शीतलन की क्रिया में केवल जल ही उपयोग में लाया जा सकता है। आधुनिक उद्योगों में जल की उपलब्धि क्षेत्र स्थानीयकरण का कारक बन चुका है। अर्थात जहाँ जल होता है वहाँ उद्योग स्थापना संभव हो सकती है। औद्योगिक विकास के साथ साथ जल की खपत भी बढ़ती गई। अब उद्योगों में एक बार उपयोग में लाए गए जल का दोबारा उपयोग किया जाने लगा। अर्थात जल को शुद्धिकरण करके पुनः उपयोग में लाया जाता है। जलापूर्ति, जल की मांग, व्यर्थ जल को यथा स्थान पर पहुंचाना आदि प्रमुख कारक हैं जो उद्योग स्थापना में जल के महत्व को दर्शाते हैं। अर्थात जल की आपूर्ति के क्या सोर्स हैं। जल हमें दो तरह से प्राप्त होता है, एक धरातलीय और एक भूमिगत जल। पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन कौन से स्रोत हैं और वहाँ कितने उद्योगों में कितने जल की आवश्यकता है, अर्थात मात्रा की आवश्यकता है। जब जल की मांग या जलापूर्ति की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, एक जल की मात्रा और दूसरा उसकी गुणवत्ता। ये दो मुख्य कारक जलापूर्ति में प्रभावी कारक होते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग मौसम में जल की मात्रा में परिवर्तन होता है। जहाँ यह पर्याप्त उपलब्ध होता है वहाँ उद्योग की स्थापना आसान हो जाती है। इसी के साथ हम जल की मांग की बात करते हैं तो अलग अलग उद्योगों में जल की मांग भी भिन्न भिन्न होती है। वाष्प बनाने, ठंडा करने, सफाई कार्यों में इसकी मांग रहती है, इसकी आवश्यकता रहती है। आवश्यकता या मांग में भी जल की मात्रा और गुण स्तर का महत्व होता है। लौह इस्पात उद्योग, लौह भट्टियों, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, कागज़ के कारखानों आदि में जल की अधिक आवश्यकता रहती है। इन उद्योगों में ठंडा करने की प्रक्रिया में जल की अधिक आवश्यकता होती है। एक पॉइंट इसमें हम और डिस्कस करेंगे कि उपयोगित जल को कैसे यथास्थान पहुँचाया जाए। उद्योगों में प्रदूषित जल के निकास की गंभीर समस्या हो जाती है। एक बार हम जल का उपयोग करते हैं साफ़ सफाई में, शोधन में, तो जब वो जल काम में ले लिया जाता है तो वो प्रदूषित हो जाता है और उसे यथास्थान पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अधिक उपयोग वाले उद्योगों में यह समस्या अधिक होती है। शीतलन प्रक्रिया में उपयोग में लाया गया जल यदि नदी नालों में छोड़ दिया जाए तो उससे जल का ताप बढ़ जाता है और उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। उद्योगों से अशुद्ध जल बहकर नदी नालों में प्रदूषण करता है। अतः उद्योग स्थानीयकरण में जल एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। तो ये भौगोलिक कारकों में हमने जल की बात की है। अगला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है बाजार। बाजार क्या होता है? बाजार एक ऐसा तत्व है जहाँ पर उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने हेतु लाया जाता है और उद्योग के स्थानीयकरण पर यह महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति,
और उत्पादित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार की आवश्यकता होती है। बाजार के अभाव में ना तो उद्योग चल पाएगा और ना ही उपभोक्ता को वस्तु मिल पाएगी। उद्योगपति उद्योग स्थापना से पूर्व बाजार क्षेत्र की क्षमता पर अवश्य विचार करता है, जिससे वह अधिकतम लाभ की प्राप्ति कर सके। अधिक उन्नत या विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या की क्रय शक्ति भी अधिक होती है और ऐसे क्षेत्रों में बड़े बाजार होने से बड़े औद्योगिक प्रदेशों का विकास हो जाता है। उद्योगपति परिवहन खर्च में कमी करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है और उद्योगों की स्थापना यदि कच्चे माल की तुलना में उत्पादन खर्च बढ़ता है तो यथासंभव बाजार के निकट उद्योग स्थापित होता है। बाजार का महत्व उत्पादित वस्तुओं के गुण पर निर्भर करता है। और कौन से गुण हैं जो प्रभावित करते हैं, इसमें आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं। वस्तु का वजन, आकार और कोमलता में वृद्धि, शीघ्र नष्टता, अपेक्षाकृत सस्ती वस्तु, उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता, बाजार क्षमता और उसका आकार, सर्वप्रचलित पदार्थ की उपलब्धता, उद्योगों का स्वभाव और फैशन परिवर्तन, ये कुछ गुण हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण गुणों की हम बात करते हैं, जैसे उत्पादन वस्तु के वजन या आकार या कोमलता में वृद्धि। किसी भी उद्योग में जो वस्तु बन रही है, तैयार हो रही है, उसका वजन, उसका आकार और उसकी कोमलता किस तरह की है और अगर उनमें वृद्धि होती है तो उद्योग की स्थापना कहाँ लाभदायक होती है। कोमलता यानी कि अधिक उसे सार संभाल की आवश्यकता है। आकार और वजन अगर बहुत बड़ा है तो ये स्थितियाँ बाजार के अनुकूल होती हैं, अर्थात उद्योग की स्थापना ऐसी स्थिति में बाजार के निकट की जाती है। यदि सभी परिस्थितियाँ अगर समान हैं तो वस्तु के वजन, आकार और कोमलता में वृद्धि होने पर उसके उद्योग को मुख्य बाजार के समीप ही लगाया जाएगा। अगर कोई वस्तु कोमल है, अर्थात उसको नुकसान पहुंचने की अधिक संभावना है, कोई वस्तु का वजन बहुत ज़्यादा है, भारी है, आकार बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति उसे बाजार के निकट स्थापित करने हेतु मजबूर करती है। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे उद्योग सम्मिलित हैं जो अपनी उत्पादित वस्तु में जल की मात्रा का मिश्रण करते हैं, जिसे कोका कोला या शीतल पेय पदार्थ या शराब उद्योग या बेकरी जो शीघ्र नष्ट होने वाली चीज़ है ना, तो ऐसे उद्योग कहाँ लगते हैं, बाजार के निकट। बड़े बड़े बर्तन हैं, बड़ी पेटियाँ हैं, है ना, बड़े आकार वाली वस्तुओं को हम लंबी दूरी पर होने वाले यातायात खर्च से बचाने हेतु बाजार के निकट स्थापना करते हैं। तो ये पहले पॉइंट का अर्थ हो गया। दूसरी बात हम कहते हैं शीघ्र नष्टता, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, शीघ्र नष्ट होने की प्रवृत्ति होती हैं, उन्हें भी हम बाज़ार के निकट स्थापित करते हैं। ज़्यादातर खाद्य पदार्थ की वस्तुएं, उन्हें हम जल्दी से जल्दी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की आवश्यकता होती है, अतः उन्हें बाज़ार या उसके निकट ही स्थापित किया जा सकता है। जिन वस्तुओं की उपयोगिता जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिन्हें उत्पादन के तुरंत बाद ही बाजार की आवश्यकता हो, उन्हें हम बाजार के निकट लगाते हैं। समाचार पत्र भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क, इसमें हम ऐसी बातें करेंगे जहां हमें सेवाओं की आवश्यकता होती है, मशीनों के सुधार की आवश्यकता होती है, तो उनके रख रखाव हेतु हमें बाजार के निकट ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो तुरंत सुधार करके हमारा काम शुरू कर सकें। सस्ती वस्तुएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। बाजार क्षेत्र का आकार और बाजार की क्रय क्षमता, बाजार स्थानीय, प्रादेशिक
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका आकार वस्तु विशेष के गुण एवं उसकी आपूर्ति पर निर्भर करता है। बोतल बंद शराब, बर्फ उद्योग, भवन फर्नीचर के निर्माण उद्योग, भोजन पकाने संबंधी उद्योग आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने अपने बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं। बाजार क्षेत्र के निवासियों की क्रय क्षमता पर बाजार का आकार निर्भर करता है। लौह इस्पात उद्योग बाजार आधारित उद्योग है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें उत्पादन बड़े पैमाने पर करने पर लाभ होता है और उनमें खर्चा भी कम होता है। अतः ऐसे उद्योग की स्थापना वहाँ होगी जिसके समीप स्थानीय क्षेत्र या उत्पादन का अधिक से अधिक क्रय कर सकें। तो ये चीज़ हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। जनसंख्या पर भी बाजार की क्षमता निर्भर करती है। अधिक जनसंख्या के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कुशलता वाले और अधिक संख्या में श्रमिक मिल जाते हैं। इससे वस्तु उत्पादन उच्च स्तर का होता है। वस्तु को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया ऐसे क्षेत्रों में कम खर्च पर हो जाती है। तो इस प्रकार के क्षेत्र उपभोक्ता वस्तुओं को पूर्ण रूप देने वाले उद्योग, नवीन उद्योग आदि सभी के लिए लाभदायक होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सभी जगह प्रचलित होते हैं, तो ऐसे उद्योग भी बाजार के निकट स्थापित होते हैं। कुछ उदाहरण जैसे बर्फ, शराब, शाही उद्योग आदि बाजार के निकट ही लगाए जाते हैं। उद्योगों का स्वभाव, इसमें हम ये बताएंगे कि प्राथमिक और आधारभूत उद्योग की स्थापना में भी बाजार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लौह इस्पात उद्योग इसी वर्ग में आता है। लौह उसके खपत क्षेत्र के निकट ही साफ किया जाता है। पिट्सबर्ग का जो लौह इस्पात उद्योग है वो इसका उदाहरण है, जो अमेरिका की एक वृहद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। और लास्ट बात हम बताएंगे फैशन परिवर्तन। जैसे जैसे समय के अनुसार फैशन बदलती है, वस्तु का स्वरूप और विधि परिवर्तन, उत्पादक वस्तुओं के उद्योग बाजार के निकट होते हैं। आराम, फैशन और विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चों की, महिलाओं की पोशाकें, जूते, समाचार पत्र, प्रकाशन आदि सभी बाजार प्रभावित उद्योग हैं। तो ये एक हमारा महत्वपूर्ण कारक था जो बाजार के नाम से जाना जाता है। अगला भौगोलिक कारक है यातायात। उद्योग के स्थानीयकरण में परिवहन साधनों का मुख्य योगदान रहता है। जहाँ परिवहन खर्च न्यूनतम होता है वहीं पर उद्योग स्थापित किया जाता है। जिन स्थानों पर मार्गों का सघन घनत्व हो, अर्थात बहुत सारे मार्ग हों और यातायात के विविध साधन हों, अर्थात रेलवे भी हो, रोड भी हो, पानी वाला भी हो, वहाँ कच्चे माल का एकत्रीकरण और तैयार माल का वितरण आसानी से बड़े पैमाने पर किया जाता है। अर्थात खानों से या कच्चे माल स्रोतों से कच्चा माल बाजारों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है और उद्योगों में तैयार माल को बाजार में बेचने हेतु आसानी से पहुँचाया जा सकता है। परिवहन औद्योगिक स्वरूप या स्तर का मापक होता है। उत्पादन खर्च में परिवहन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उत्पादन हेतु कच्चे माल को कारखानों तक लाना और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन ही महत्वपूर्ण साधन होता है। परिवहन खर्च परिवहन के प्रकार, उसकी प्राप्ति और वस्तु के गुण पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न परिवहन साधनों में खर्च में भिन्नता आती है, जैसे सड़क या रेल की तुलना में और जल परिवहन में न्यूनतम खर्च आता है। वस्तु के स्वरूप पर परिवहन निर्भर करता है। कम मूल्य और विशाल आकार की वस्तुओं के परिवहन हेतु तीव्र गति का यातायात कम आवश्यक होता है। कम मूल्य में अधिक से अधिक भार वहन करना परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसी आधार पर परिवहन साधन का चयन होता है,
कि हमें किस साधन का उपयोग करना है जो हमें सस्ते दामों में अपने इच्छित स्थानों तक पहुंचा देगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को तीव्र गति के साधन की आवश्यकता होती है। अब परिवहन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? थोड़ी देर पहले हमने कुछ कारकों की बात की थी जिसमें बाजार को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसी तरीके से अब हम बात कर रहे हैं कि यातायात या परिवहन पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परिवहन के प्रभावी कारकों में यातायात अथवा परिवहन पर प्रमुख निम्न कारकों का प्रभाव है, जैसे धरातल, परिवहन के विभिन्न साधनों में आपस में प्रतियोगिता, परिवहन साधनों को लौटते समय किराए का मिलना या ना मिलना, किराया दर और अंत में परिवहन किराया दर एवं दूरी। ये कुछ बिंदु हैं जो परिवहन को प्रभावित करते हैं, इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे परिवहन और धरातल, परिवहन और धरातल में हम ये बता सकते हैं कि परिवहन खर्च का धरातल के साथ एक गहरा संबंध होता है। जैसे धरातल असमतल है, पहाड़ी क्षेत्र है, सघन वन है, तो ऐसे क्षेत्रों में यातायात का कम विकास होता है। इसके विपरीत समतल धरातल क्षेत्र, वहाँ पर आपको यातायात का अधिक विकास दिखाई देगा। तो ऐसे विषम या प्रतिकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में जहाँ परिवहन का विकास नहीं हो पाता है, वहाँ पर उद्योगों का भी विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रतिकूल दशाओं में यातायात पर अधिक खर्च होता है, इसी वजह से उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी बात है यातायात के साधनों में परस्पर प्रतियोगिता। जो परिवहन के साधन होते हैं उनमें यातायात या परिवहन की दर भी भिन्न भिन्न होती हैं, और इसी भिन्न भिन्न दर के आधार पर कोई भी उद्योगपति अपने माल को पहुंचाने या लाने में सस्ती दर वाले साधन का उपयोग करता है। तीसरा जो कारक है वो है कि यदि आप माल लेकर जा रहे हैं तो लौटते समय भी आपको माल मिलना चाहिए, अर्थात किराया मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो हमें सस्ता पड़ता है। यदि उसको वापसी के समय किराया मिलने की संभावना नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो हमसे अधिक किराया वसूलेगा, और यदि उसे पता है कि लौटते समय हमें उतना ही किराया मिल जाएगा तो अपेक्षाकृत सस्ते दामों में वो हमें किराया लेगा। तो इस तरह से लौटते समय अगर किराया मिलने की संभावना होती है तो वो परिवहन खर्च हमें कम से कम देना पड़ता है। यातायात के संदर्भ में यातायात के साधन के लौटते समय पुनः माल प्राप्ति का यातायात खर्च पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि माल की अनुपस्थिति में खाली लौटना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में परिवहन दर उच्च होती है। साथ ही परिवहन का स्वरूप और उसकी दर वस्तु के स्वभाव पर निर्भर करता है। टूटने वाले पदार्थों का अधिक ध्यान रखना पड़ता है, नष्ट या सड़ने वाले पदार्थों का शीघ्र परिवहन करने की आवश्यकता होती है। जहाँ अधिक परिवहन सुविधाएं हैं या साधन हैं उनमें प्रतियोगिता भी अधिक होंगी, और ऐसी स्थिति में माल सस्ते से सस्ते दर पर पहुंचाने की व्यवस्था हमें मिल जाती है। अगला पॉइंट है किराया दर। यातायात के स्वरूप के साथ एक ही प्रकार के यातायात में भिन्न भिन्न दरों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यातायात दर कंपनी से कंपनी, अर्थात एक कंपनी से दूसरी कंपनी, वस्तु से वस्तु और दूरी के साथ बदलती रहती है। अधिक मूल्य वाली वस्तुओं का किराया अपेक्षाकृत अधिक देना पड़ता है और कम मूल्य वाली वस्तुओं का किराया अपेक्षाकृत कम देना पड़ता है। सामान्य रूप से जो वस्तुएं विशाल आकार की हैं और कच्चे माल हैं, प्रायः लघु आकार वाली वस्तुओं या अर्ध एवं पूर्ण तैयार वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती दर पर ढोई जाती हैं, उनका किराया कम होता है। तैयार वस्तुएं अधिक मूल्य वाली होती हैं, अतः वे अधिक खर्च वहन करने की क्षमता रखती हैं, अर्थात उनका परिवहन खर्च भी अधिक लगता है। किराया दर एवं दूरी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
किराया दर या जो हम परिवहन कर रहे हैं उसकी दर पर दूरी का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बढ़ती हुई दूरी के साथ प्रति टन किलोमीटर दर में कमी आती है, मतलब किराया घटता हुआ बढ़ता है और अंतिम स्टेशन पर खर्च बढ़ जाता है। जहाँ उसे हमें उतारना है माल को, वहाँ क्या होता है, वस्तुओं का रख रखाव या भंडारण करने की आवश्यकता होती है अथवा उतारने का मजदूरी का खर्च अलग से देना पड़ता है। व्यावहारिक रूप से किराया सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ता है। बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ परिवहन किराया घटता हुआ बढ़ता है, अतः लंबी दूरी अधिक खर्चीली नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। परिवहन में राष्ट्रीय सीमाएं अवरोधक होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार टैक्स वगैरह या सीमा कर जोड़ दिए जाते हैं। कई बार स्थानीय निगम या सरकार या राष्ट्रीय निर्णय के कारण भी यातायात का खर्च प्रभावित होता है। परिवहन प्रभावित उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति वो स्थान होगा जहाँ कच्चा माल का एकत्रीकरण और तैयार माल का वितरण न्यूनतम खर्च में हो सके, ऐसा स्थान आदर्श स्थान माना जाता है। यदि उत्पादित वस्तु उसके कच्चे माल की तुलना में वजन में हल्की और आकार में छोटी होती है तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के पास होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि तैयार माल कच्चे माल की तुलना में भारी आकार में बड़ा है तो ऐसी स्थिति में उद्योग को हम बाजार के निकट स्थापित करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा परिवहन या यातायात के संदर्भ में था। अब हम बात करते हैं अगला और अंतिम महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक, श्रम। सभी उद्योगों में श्रम एक आधारभूत आवश्यकता है। अलग अलग उद्योगों में स्थिति निर्धारण में श्रम का प्रभाव अलग अलग रहता है, एक समान नहीं रहता है। कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिसमें परिवहन खर्च बहुत कम होता है, उनकी स्थापना कच्चा माल या बाजार केंद्रित होती है और ऐसे उद्योगों में श्रम का महत्व नहीं होता। लेकिन कुछ उद्योगों में श्रम स्थिति अधिक प्रभावित करती है। इनमें उनकी अंतिम वस्तु उत्पादन में श्रम का खर्च अधिकतम होता है। कम तकनीकी विकास वाले उद्योग इस वर्ग में शामिल हैं। एक से दूसरे उद्योग में श्रम के खर्च में अंतर आता है। सामान्यतः उद्योगों में 25% खर्च श्रम पर होता है, ये सामान्य बात है, सामान्य खर्चा है। लेकिन अलग अलग उद्योगों में ये खर्च में परिवर्तन आएगा। कांच संबंधी उद्योग जैसे चश्मे वगैरह में आधा खर्च श्रम पर होता है। धातु की मशीनें, बच्चों की पोशाक, जूता उद्योग, कांटा छुरी, हाथ के बने औजार, ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें लगभग 40% खर्च श्रम पर होता है, अर्थात ये श्रम बेस्ड उद्योग हैं। हीरा जवाहरात, सूती वस्त्र, इस्पात आदि उद्योगों में लगभग 15% खर्च श्रम पर होता है। तो श्रम भी एक स्थिति निर्धारक कारक है, लेकिन अलग अलग उद्योगों में उसकी भूमिका अलग अलग होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात कर लेते हैं जो श्रम को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी भी उद्योग में काम करने वाले श्रमिक कई कारकों से प्रभावित होते हैं। वे कारक कौन से हैं? श्रम की दर और श्रम की पूर्ति, श्रमिक स्थिरता एवं गतिशीलता, श्रमिकों की कार्य कुशलता, यंत्रीकरण, आधुनिक समय में कितने यंत्रों का आविष्कार हो गया है और कितने यंत्रों की सहायता से काम लिया जा रहा है, प्रशिक्षण क्षमता, थकान, अनुशासनहीनता आदि। तो ये श्रम और उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। श्रम के बारे में भी कुछ बिंदु हमने देखे थे, उसमें हम शॉर्ट में ये बता सकते हैं कि सभी उद्योगों के लिए ये एक आधारभूत आवश्यकता है। और जो श्रम दर की हम बात कर रहे हैं ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है। जो क्षेत्र विकसित हैं, औद्योगिक प्रदेश जो विकसित हैं, वहाँ श्रम की दर उच्च होती है। बड़े बड़े नगरों
से कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे जनसंख्या का आकार घटता है, वैसे वैसे श्रम की दर भी कम होने लगती है। तो इस तरह से हम इन भौगोलिक कारकों का वर्णन कर सकते हैं। और अंत में जो अभौगोलिक कारक हैं उसमें आपके भूमि या धरातल, जलवायु, सकेंद्रण, भौगोलिक निश्चेष्टता, ये कुछ बिंदु हैं। तो हम अगली क्लास में बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। एक और ज़रूरी बात आपके लिए कि आपको सप्ताह के अंत में एक असाइनमेंट दिया जाएगा। जितने भी लेसन या टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अभी आप उस एक अपना रजिस्टर या फाइल बनाकर रखें और जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आप क्रम वाइज लिखते जाएं, डेट वाइज कि इस दिन आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया और उससे संबंध में ये असाइनमेंट दिया गया, उसकी तारीख भी आपको लिखनी है और वो लिख करके आपको अपनी तैयारी पर्पस से रखना है। और जब भी हम मांगेंगे, चाहे आपसे ऑनलाइन मांगा जाए, चाहे क्लासेस शुरू होने पर ऑफलाइन मांगा जाए, तो आपको उपस्थित करना होगा। आप एक तरह से ये मानिए कि ये आपका प्रायोगिक वर्ग ही है, तो इसमें आप लापरवाही नहीं करें और आप समय पर असाइनमेंट को कंप्लीट करें। और उससे संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप पर्सनल हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।